India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा, अनुच्छेद 370 को केवल संविधान सभा हटा सकती थी। वहीं शेखर नफाड़े ने कहा, राज्यों का अस्तित्व बुनियादी संरचना का एक हिस्सा, इसे बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रेरा के तहत अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं करने पर मेघालय, सिक्किम, लद्दाख को किया नोटिस जारी। संबंधित मुख्य सचिवों को 60 दिनों की अवधि के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। अब अदालती कार्यवाही में लैंगिक रूप से गलत शब्दों के इस्तेमाल से होगा परहेज। अदालती कार्यवाही से 40 शब्दों को हटाया गया। सीजीआई ने जारी की हैंडबुक। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही के दौरान जेंडर स्टीरियोटाइप या फिर लैंगिक रूप से गलत शब्दों के इस्तेमाल से बचने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने एक हैंडबुक जारी की है जिसमें ऐसे 40 शब्दों की सूची है और उनके वैकल्पिक इस्तेमाल के शब्द दिए गए हैं। यह हैंडबुक जजों को अदालती आदेशों में अनुचित जेंडर शब्दों के इस्तेमाल से बचने में मदद करेगी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हैंडबुक लॉन्च करते हुए कहा कि कोर्ट में दलील देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में उपयोग किया जा सकता है। अदालती बहस में अब कुछ शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने एक हैंडबुक जारी की है जिसमें लैंगिक रूप से गलत शब्दों की सूची है और इनकी जगह वैकल्पिक शब्द भी दिए गए हैं। फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों को बोलने से परहेज किया जाए। इसके अलावा उनके विकल्प के तौर पर किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए एक हैंडबुक जारी की गई है। ऐसे शब्दों की एक विस्तृत शब्दावली दी गई है। इसमें सुझाव दिया गया है कि आगे से कानूनी दलीलों और फैसलों में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हैंडबुक में कहा गया है कि ऐसे शब्द लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखते हैं। अन्यायपूर्ण शब्दों के साथ वैकल्पिक शब्दों की एक सूची भी दी गई है जिनके इस्तेमाल को सटीक और उचित माना गया है। 30 पेजों वाली हैंडबुक महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेषकर यौन हिंसा से जुड़े मुद्दों पर प्रचलित कानूनी सिद्धांत को भी समाहित करती है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हैंडबुक का उद्देश्य लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने, महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उनका मुकाबला करने में न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय की सहायता करना है। इसमें लिंग अन्यायपूर्ण शब्दों की एक शब्दावली शामिल है और वैकल्पिक शब्द या वाक्यांश सुझाए गए हैं जिनका उपयोग दलीलों के साथ साथ आदेशों और निर्णयों का मसौदा तैयार करते समय किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हैंडबुक से कुल 40 शब्द हटाए हैं। इन सभी शब्दों का विकल्प भी हैंडबुक में सुझाया गया है। आइए जानते हैं उन 40 शब्दों को जिनमें एक तरफ रूढ़िवादी शब्द है और दूसरी तरफ वैकल्पिक शब्द। रूढ़िवादी शब्दों में वैश्या को अब वैकल्पिक शब्द के रूप में सेक्स वर्कर कहा जाएगा। वहीं उत्तेजक कपड़े को ड्रेस कहकर बुलाया जाएगा। बहकाने वाली को महिला कहकर बुलाया जाएगा। व्यभिचारिणी की जगह महिला शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अविवाहित माँ की जगह सिर्फ माँ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अनैतिक व्यवहार की महिला की बजाय महिला शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अप्राकृतिक संबंध के स्थान पर सेक्सुअल संबंध का प्रयोग किया जाएगा। हुकर शब्द की जगह सेक्स वर्कर का प्रयोग किया जाएगा। हाउसवाइफ की जगह होम मेकर कहा जाएगा।
इंडियन या वेस्टर्न वुमन की जगह महिला शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। छेड़छाड़ यानी ईव टीजिंग के स्थान पर गलियों में सेक्सुअल हैरेसमेंट का शब्द यूज किया जाएगा। रखेल यानी कीप की जगह शादी से बाहर महिला के किसी और पुरुष के साथ संबंध जैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा। अफेयर की जगह शादी से बाहर के संबंध इस्तेमाल किया जाएगा। ये वो रूढ़िवादी शब्द हैं जिनके स्थान पर अब बदले गए शब्दों का उपयोग किया जाएगा। हैंडबुक में ये भी बताया गया है कि अतीत में अदालतों द्वारा कितने लिंग अन्यायपूर्ण शब्दों का गलत तरीके से उपयोग किया गया है। इसमें ये भी बताने की कोशिश की गई है कि इन शब्दों के उपयोग को अनुचित क्यों माना गया और ये कानूनी बहस को खराब क्यों कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सातवें दिन सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और शेखर नफाड़े ने अपनी अपनी दलीलें दी। दवे ने कहा कि संवैधानिक इतिहास दोबारा नहीं लिख सकते, अनुच्छेद 370 को केवल संविधान सभा हटा सकती थी। वहीं नफाड़े ने कहा कि राज्यों का अस्तित्व बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है, इससे बदला नहीं जा सकता। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर सातवें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। डिसीजन और एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दलील देते हुए तर्क दिया कि अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति शासन का उपयोग करना संवैधानिक सुरक्षा उपायों का मजाक है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा से अस्थायी होने के लिए डिजाइन किया गया था। अनुच्छेद 370 भारतीय प्रभुत्व के नजरिए से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के नजरिए से अस्थायी था। अनुच्छेद 370 को केवल संविधान सभा द्वारा हटाया जा सकता था और इसी कारण इसे अस्थायी कहा गया। इसके स्थायित्व का निर्णय करना अंततः जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में था। उन्होंने कहा कि 1957 में संविधान सभा भंग हो गई, जो कि एक बार की प्रक्रिया थी जिसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता। वहीं सीजीआई ने पूछा कि अगर जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने संविधान बनाकर अपना काम पूरा कर लिया तो 1957 के बाद संवैधानिक आदेश जारी करने का अवसर कहाँ था। अगर आपका तर्क सही है तो संविधान को बदलने की शक्ति आखिर कहाँ है। दवे ने आगे अपनी दलील में संविधान सभा की बहस के दौरान गोपाल स्वामी अयंगर के भाषणों और 1959 के प्रेमनाथ कॉल मामले के आधार पर तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के पास ही अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करने की शक्ति थी। दवे ने आगे अपनी दलील में संविधान सभा की बहस के दौरान गोपाल स्वामी अयंगर के भाषणों और 1959 के प्रेमनाथ कॉल मामले के आधार पर तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के पास ही अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करने की शक्ति थी। दवे ने कहा कि आप इतिहास, विशेषकर संवैधानिक इतिहास, दोबारा नहीं लिख सकते। 370(3) के तहत धारा 370 को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। निरस्त करने की कवायद संविधान के साथ पूर्ण धोखाधड़ी है। सीजीआई ने पूछा, आप अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सरकार की मंशा का आकलन करने के लिए न्यायिक समीक्षा चाहते हैं। संवैधानिक उल्लंघन के लिए न्यायिक समीक्षा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि ऐसा उल्लंघन होता है तो ये अदालत हस्तक्षेप करेगी, लेकिन क्या आप हमसे इसे निरस्त करने के निर्णय के अंतर्निहित विवेक की न्यायिक समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं। दवे ने धारा 370 के स्थायित्व के समर्थन में 1968 संपत प्रकाश के फैसले का हवाला दिया, साथ ही बीजेपी के 2019 घोषणा पत्र का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि वो अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि घोषणा पत्र संवैधानिक मूल्यों के विपरीत नहीं हो सकते और चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया था कि संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखा जाए। The proviso to clause 3 uses the expression recommendation, but the commonality between clause 2 of article 370 and the proviso to 370 bracket 3 is some decision or action on the part of the constituent assembly. Just give me a minute. Yes, that's not very crucial because that's exactly what has happened. 370 is a clear
आई वुड से रिफ्लेक्शन ऑफ दिस व्यू पॉइंट दैट नॉट एट जस्टिसेस ऑफ दिस कोर्ट हैव टेकन। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने अपनी दलीलें पूरी की। वरिष्ठ वकील शेखर नफाड़े ने बहस शुरू की। नफाड़े संविधान सभा और विधानसभा के बीच अंतर बताने के लिए उन्होंने फैसलों का हवाला दिया। नफाड़े ने कहा कि राज्यों का अस्तित्व बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है और जम्मू कश्मीर इसका अपवाद नहीं हो सकता। नफाड़े ने कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान का अस्तित्व भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। हम तो सब लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और इंसाफ की उम्मीद लेके हम वहाँ पे हैं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हमने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी। बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए और उनका जो वहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस रही, सबने उसकी सराहना की और अभी भी मामला चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पे जज हजरात हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो जाएंगे। अभी काफी लंबा चलेगा लेकिन हम इंतजार में हैं। शीर्ष अदालत ने 10 अगस्त को टिप्पणी की थी कि 1948 में जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण किसी भी तरह सशर्त नहीं था, एकीकरण हर तरह से पूर्ण और पूर्ण था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट यानी कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 या फिर कहें रेरा के तहत नियामक प्राधिकरणों के साथ साथ अपीली न्यायाधिकरण स्थापित करने में विफलता के संबंध में मेघालय और सिक्किम की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन के मुख्य सचिवों से जवाब मांगा है। रियल एस्टेट अपीली न्यायाधिकरण स्थापित नहीं करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और पश्चिम बंगाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से भी प्रतिक्रिया मांगी गई। इन राज्यों ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है और नियामक प्राधिकरण स्थापित किए हैं। अदालत ने नागालैंड को भी नोटिस जारी किया है जो एकमात्र राज्य है जिसने अभी तक अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित नहीं किया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने घर खरीदारों के लिए समानांतर उपाय के रूप में रेरा की उपलब्धता पर एक निस्तारित रिट याचिका में एक विविध आवेदन में ये निर्देश पारित किए। घर खरीदारों को वित्तीय ऋणदाताओं के रूप में मानने के लिए 2018 में दिवाला और दिवालियापन संहिता में किए गए 2018 के संशोधनों को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेरा के तहत स्थायी निर्णय अधिकारी नियुक्त करने और स्थायी नियामक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापित करने का निर्देश दिया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह की ओर से प्रस्तुत देशभर में कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने के बाद अनुपालन न करने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्रतिक्रिया मांगने का आदेश पारित किया गया। अदालत ने संबंधित मुख्य सचिवों को आदेश की तामील की तारीख से 60 दिनों के भीतर के अवधि के भीतर रेरा के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के संबंध में राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति का संकेत देने वाले हलफनामे को दाखिल करने का निर्देश दिया है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट वुमेन लॉयर फोरम ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को एक पत्र याचिका भेजी है जिसमें हरियाणा में नू हिंसा के बाद कुछ समुदायों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वाले सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। कुल 101 महिला वकीलों की ओर से हस्ताक्षरित पत्र याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वो हरियाणा सरकार को नफरत भरे भाषण की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने, कानून के अनुसार ऐसे भाषण के वीडियो पर प्रतिबंध लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दें। नफरत भरे भाषण वाले वीडियो के प्रसार और लक्षित हिंसा भड़काने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वकीलों की ओर से लिखा गया कि हम विनम्रतापूर्वक हरियाणा राज्य को नफरत फैलाने वाले भाषण की घटनाओं को रोकने और भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार बार जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और तुरंत ट्रैक करने और प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल और शीघ्र दिशा निर्देश चाहते हैं। ये वीडियो नफरत फैलाने वाले भाषण को बढ़ावा देते हैं और डर का माहौल पैदा करते हैं। पत्र याचिका में राज्य के अधिकारियों की ओर से अवैध विध्वंस के संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान का उल्लेख भी किया है और कहा गया कि तेज और संवेदनशील दृष्टिकोण ने कानून में नागरिकों का विश्वास बनाने में काफी मदद की है। पत्र याचिका में कहा गया कि अभद्र भाषा की इन घटनाओं के दौरान और बाद में उचित प्रतिक्रियात्मक उपाय करें। इसमें कहा गया रैलियों और भाषणों में अनियंत्रित नफरत फैलाने वाले भाषण से न केवल हिंसा भड़कने का खतरा होता है बल्कि सांप्रदायिक भय, उत्पीड़न और भेदभाव का माहौल और असंस्कृति फैलती है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक सब्जी विक्रेता की जेल की सजा कम कर दी है, जिसे 10 रुपए के 43 नकली नोट रखने के अपराध में दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति जेबी पार्थिवाला की पीठ ने थैनी जिले के निवासी पलानी सामी को फौरन रिहा करने का आदेश दिया। पीठ ने 10 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि उसके खिलाफ आरोप केवल आईपीसी की धारा 489 सी के तहत हैं। उसके पास 10 रुपए मूल्य के 43 नकली नोट पाए गए, वो एक सब्जी विक्रेता था। केस के पहलुओं पर विचार करते हुए हम दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा को पहले ही काट ली गई सजा में संशोधित कर रहे हैं। उच्च न्यायालय की ओर से दी गई 5 साल की सजा को आंशिक रूप से पहले ही भुगती गई अवधि में संशोधित करने की अपील की अनुमति दी जाती है। अपीलकर्ता को फौरन रिहा किया जाएगा यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं। दोषी पलानी सामी को ट्रायल कोर्ट ने 8 जनवरी 2014 को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया था और 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। 24 अक्टूबर 2019 को मद्रास उच्च न्यायालय ने 7 साल की कारावास की सजा को घटाकर 5 साल कर दिया था। पलानी सामी 451 दिनों तक जेल में रहा। पीठ ने कहा कि अपील के वर पलानी सामी ने दायर की थी, जो मामले के 3 आरोपियों में से एक है। 2 आरोपियों पर धारा 489 सी के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि 3रा फरार था। शीर्ष अदालत ने कहा कि पलानी सामी के खिलाफ अभियोजन का मामला ये है कि गुप्त सूचना के आधार पर जब्ती के दौरान उनके पास नकली नोट पाए गए थे। पलानी सामी के वकील ने पीठ के समक्ष कहा कि उन पर 451 धारा लगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मरीज के संबंध में शीर्ष हृदय रोग विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर उपेंद्र कौल के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या फिर कहें एनसीडीआरसी की ओर से की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द कर दिया है। मरीज की एम्स में एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया के बाद दिल का दौरा पड़ने के बाद मृत्यु हो गई थी। मामला 1994 की एक घटना से जुड़ा है। जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ एनसीडीआरसी के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राज्य आयोग के फैसले को बरकरार रखा था कि अपीलकर्ता डॉक्टर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन बाईपास मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्पताल प्रशासनिक लापरवाही का दोषी था। न्यायालय ने प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता की और इशारा किया, कहा कि प्रक्रिया स्थापित मानदंडों से भटक चुकी है, जिसमें कहा गया यह स्पष्ट है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को छोड़कर प्रतिवादी ने किसी भी स्वतंत्र डॉक्टर से सबूत नहीं दिया है कि जिस तरीके और प्रक्रिया का पालन किया गया वो उचित प्रक्रिया नहीं थी। न्यायालय द्वारा पहचाना गया प्रमुख मुद्दा एंजियोप्लास्टी के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम और बाईपास मशीन पीसीपीएस का उपयोग किया जाना था। उस संबंध में एनसीडीआरसी ने नोट किया था कि हालांकि डॉक्टर कौल ने कहा था कि जब एंजियोप्लास्टी की गई तो वेंटिलेटर सिस्टम तुरंत कनेक्ट हो गया था और पीसीपीएस या बाईपास मशीन 30 मिनट के भीतर कनेक्ट हो गए थे। एनसीडीआरसी ने पाया कि ऐसा बयान वास्तव में पीटीसीए रिपोर्ट का खंडन करता है। हालांकि शीर्ष अदालत अपीलकर्ता के इस तर्क से सहमत थे कि एनसीडीआरसी ने वेंटिलेटर प्रणाली को बाईपास मशीन के साथ भ्रमित करने में त्रुटि की है कि प्रक्रिया के तहत वेंटिलेटर को तुरंत जोड़ दिया गया। और क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी मेडिकल लापरवाही का शिकार होते हैं तो आपके पास इसके खिलाफ क्या क्या अधिकार हैं? चिकित्सकीय लापरवाही पर बुनियादी जानकारी देंगे इंडिया लीगल के हमारे वेब रिपोर्टर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया टू सबमिट इन कोर्ट द बजट फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज अवेलेबल एंड अवेलेबिलिटी फॉर डॉक्टर्स। ये ऑर्डर एक सुओमोटो पीआईएल जो कि एक न्यूज आर्टिकल पर बेस्ड है, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से एक 24 साल की मां और उसके बच्चे की मौत हो गई। समझते हैं एक कंसेप्ट को, विच इज मेडिकल नेग्लिजेंस। क्रिमिनल लॉ के अंडर अगर ये प्रूफ हो जाए कि नेग्लिजेंट एक्ट परफॉर्म हुआ था, दैट टू विद मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड, तो वो एक्ट पनिशेबल होगा। मिसडायग्नोसिस, इम्प्रॉपर रॉन्गफुल मेडिकेशन, एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ कॉमन केसेस हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के। इसकी रेमेडी हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मिलती है और एग्रीव पार्टी डैमेजेस कंज्यूमर फोरम में क्लेम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द क्लेम दैट दे हैव। यानी अगर क्लेम 20 लाख तक का है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 20 लाख से 1 करोड़ का है तो स्टेट कमीशन, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा का है तो नेशनल कमीशन। तो क्या तेलंगाना का ये केस मेडिकल नेग्लिजेंस में आना चाहिए?
उधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि जब एक पत्नी विभिन्न मंचों पर यह आरोप लगाती है कि उसके पति का अपनी मां के साथ अवैध संबंध है तो ये निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता का कारण होगा। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की पीठ ने कहा कि जब पत्नी की ओर से अपने पति के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया जाता है तो पति की मां का भी चरित्र हनन होता है और इससे पति और पत्नी का एक दूसरे की नजरों में प्रतिष्ठा और मूल्य नष्ट हो जाता है। कोर्ट ने कहा जहां इस तरह के आरोप से मां और बेटे के पवित्र रिश्ते पर हमला किया जाता है रहा है तो निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता की उपस्थिति को जन्म देगा। पीठ ने आगे कहा कि उसने पति द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और तलाक की डिग्री से इनकार करने वाले पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। इस जोड़े की शादी 11 मई 2011 को हुई थी। पति का आरोप है कि शादी के बाद पत्नी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था क्योंकि वो उसे और उसकी मां को मां बहन के नाम पर गालियां दिया करती थी। आगे ये भी कहा गया कि पत्नी अक्सर खाना बनाना छोड़ देती थी जिससे पति को भूखा रहना पड़ता था या फिर होटल में जाना पड़ता था। आरोप है कि पत्नी उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी देती थी। इस पृष्ठभूमि में पति ने तलाक की डिग्री देने के लिए फैमिली कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया। जब आवेदन खारिज कर दिया गया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष मौजूदा अपील दायर की। अदालत ने आगे कहा कि पत्नी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आपराधिक मामले में उसने गवाही दी कि अपीलकर्ता पति ने अपनी मां के साथ अवैध संबंध बनाए रखा था। कोर्ट ने कहा कि पति और उसकी अपनी मां के बीच अवैध संबंधों का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता के समान होगा। इस पृष्ठभूमि में अदालत ने पति की अपील स्वीकार कर ली और तलाक की डिग्री जारी करने का निर्देश दिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। India Legal presents Courts Roundup.